नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में, मैं कृष्णादास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हैं, ये रीडिंग उनके लिए होगी। आप सभी को हैप्पी दशहरा और मेरे तरफ से शुभ हो विजया दशमी। मैं बंगाली हूँ और आज हम लोगों का वो सिंदूर खेला था, जिसकी वजह से थोड़ा देर हो गया आने में। कोई नहीं, आप लोग मुझे प्यार करते हो, मुझे पता है, आप लोग इस देरी को एडजस्ट कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग होगी 12 से लेकर 18 अक्टूबर तक, 12 से लेकर 18 अक्टूबर तक उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में, और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, और एंजल की गाइडेंस आप लोगों के लिए। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन को फील कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है आप लोगों का रिश्ता, तो उनकी करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, द एम्परर एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपके पर्सन जो है करंटली टेन ऑफ कप्स, द एम्परर एंड टू ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है। ये बंदा या बंदी जो भी हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हो, फिलहाल नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन चल रहा है, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है आपके साथ एक कंप्लीट फैमिली को देखना चाहते हैं। जो लोग पहले से ही शादीशुदा है, जो लोगों की रिश्ते में शादी होने के बाद भी आप लोग सेपरेशन या फिर नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, वो लोग रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम था उसे सॉल्व करना चाहते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक कंप्लीट फैमिली, घर परिवार, रिश्ते, बच्चे, घूमना फिरना, जो हर किसी की ख्वाहिश होता है वो चाहते हैं। दूसरी तरफ जो लोग लव रिलेशनशिप में भी है और उनके साथ कोई और जुड़ा हुआ है, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो बंदा या बंदी करंटली दोनों रिश्ते को रखना चाहते हैं। आपके जो पर्सन है वो दोनों रिश्ते को रखना चाहते हैं, जिनके साथ ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन जुड़ा हुआ है वो दोनों रिश्ते को रखना चाहते हैं, दोनों रिश्ते को लेके जगलिंग कर रहा है। लेकिन आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत ज़्यादा अपने मर्जी से बंदा चलता है, पहले भी चलता था, अभी भी ये सोच रहा है कि माई वे इज़ द हाई वे टाइप की सोच है इनकी। ये ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे अपने तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाना है और मुझे दोनों ही रिश्ता रखना है, किसी एक रिश्ते के साथ ये रहना नहीं चाहते हैं जिनकी ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कुछ लोग ईगो की वजह से ये सब कर रहा है कि मुझे अपने तरीके से रिश्ते को चलाना है, और खुद का ईगो इतना हाई है कि वो किसी की और किसी की बात सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरा ही सब कुछ जो डिसीजन है वो सही है। कुछ ट्रेडिशनल तरीके से ये रिश्ते को निभाना चाहते हैं जो लोग शादीशुदा है, और जो लोग शादी भी हैं और रिश्ते भी हैं तो वो दोनों रिश्ते को रखना चाहते हैं, और जो लोग शादीशुदा नहीं है, कोई और रिश्ते नहीं है लेकिन एक दूसरे के साथ लव करते हैं, वो भी रिश्ते को एक कंप्लीशन देना चाहते हैं, टेन ऑफ कप्स के एनर्जी में आना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन आगे क्या चाह सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आगे क्या चाहते हैं आपके पोर्शन थ्री ऑफ वॉन्ड्स। मैक्सिमम लोगों की रीडिंग में थर्ड पार्टी सिचुएशन का सिचुएशन दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो थोड़ा संभल के रिश्ता आगे ले जाइएगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रेंथ, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी लोग हैं आपके पोर्शन, किसी एक रिश्ते को तो इग्नोर करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, उनको दोनों ही रिश्ता रखना है आप लोगों की, जिनके साथ भी, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स द स्ट्रेंथ एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आप के जो पर्सन है वो डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है, उनको इंतज़ार है किसी डिसीजन लेने का। उनके पास आपके अलावा भी रिश्ता है, ये मैंने पहले ही कहा, जिन लोगों के पास दो रिश्ते हैं, जो दो दो रिश्ते के साथ जगलिंग कर रहा है, वो पेशेंसली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, आगे चल के भी बैलेंस करना चाहेंगे धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ वो दो रिश्ते को रखना चाहेंगे, और इसको चलाने के लिए जो डिसीजन लेना होगा उसके लिए हिम्मत भी रखेंगे। खास करके जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है उनके रिश्ते में डेफिनेटली ये सिचुएशन आना संभव है कि वो दोनों ही रिश्ते को रखेंगे, दोनों रिश्ता ही उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, और दोनों रिश्ते को बहुत पेशेंस के साथ हैंडल करने के बारे में सोचेंगे। उनको ये लगेगा कि एक डिसीजन लेना है लेकिन आगे चल के वो नहीं ले पाएंगे, दोनों रिश्ते लेके चलेंगे, और जो इनर स्ट्रेंथ है उसे भी इन्हेंस कर रहे हैं, क्योंकि दो रिश्ते लेके चलना और दोनों रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक देना, संभालना, बैलेंस करना, दिस इज नॉट अ जोक, ये कोई साधारण सी बात नहीं है कि आप दो रिश्ते में रह रहे हो और दोनों बंदा या बंदी को खुश करोगे, दोनों को अपने अपने अलग अलग जो स्थान है वो आप दे पाओगे, प्यार वक्त सब कुछ चाहिए होता है रिश्ते में, तो इसको करने के लिए जितना हिम्मत की ज़रूरत है आपके पर्सन इन दिनों उस हिम्मत को और आगे बढ़ाएंगे, इन्हेंस करेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँगी कि किसी एक रिश्ते को छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, दोनों रिश्ते को रखेंगे, किसी को थोड़ी सी इग्नोर कर सकते हैं, और दोनों को संभालने के लिए जो भी पैंतरे अपनाने होते हैं, जो हिम्मत की ज़रूरत है उसे रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जिनके साथ उनका शादी का रिश्ता है वो एक सामाजिक संबंध है, जैसे कि मैंने कहा ट्रेडिशनल तरीके से रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, लोगों को दिखाने के लिए ट्रेडिशनल चीज़ें, समाज को दिखाने के लिए, अपने फैमिली की ग्रोथ के लिए, अबंडन के लिए, फिनेंशियल स्टेटस के लिए जो शादी का रिश्ता है वो बहुत मजबूत है और उसे वो रखेंगे। दूसरी चीज़ जो है दिल का रिश्ता, जिससे जुड़े हुए हैं उसको, तो दिल का रिश्ता मैंने इसका नाम दिया है दिल का रिश्ता। थर्ड पार्टी ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता लेकिन समझने के लिए बोलना पड़ता है। डेफिनेटली ये रिश्ता जब किसी के साथ किसी का जुड़ता है, ये दिल से ही जुड़ता है, क्योंकि जब आप शादी वगैरह करते हो तब आप एक सिचुएशन में चले आते हो, जिन लोगों का अरेंज होता है वो लोग, जो जिनका लव मैरिज होता है लव के बाद, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको किसी से जुड़ना पड़ता है तो डेफिनेटली ये मैं समझती हूँ कि ये दिल का रिश्ता है। दिल मजबूर होता है तभी किसी के पास आपको जाना पड़ता है, किसी की सहारा लेना पड़ता है, तो जो दिल का रिश्ता है ये तो रहेंगे लेकिन उस तरीके से नहीं रहेंगे जितना पहले रहता था। अभी दोनों रिश्ते को बैलेंस करेंगे आगे चल के। देख लेते हैं अगर ये आपके लिए एक्शन लेता है तो क्या लेगा, क्योंकि लेना पड़ेगा, इनको पारिवारिक संबंधों को ये रखेंगे और दिल के रिश्ते भी रखेंगे, तो आप जिस भी रिश्ते में हो अगर ये बंदा एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या हो सकता है। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई लिब्रा हो सकता है, आप खुद लिब्रा हो, कोई लिब्रा हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है,
टॉरस, देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। कोई पाइसिस, अब फोर ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है, द मून, द मैजिशियन, एट ऑफ कप्स के कार्ड। मैं कह रही हूँ ना कि दोनों रिश्ते को रखना है और ये कोई मामूली बात नहीं है, तो रिश्ते में थोड़ी सी झूठ, थोड़ी सी मैनिपुलेशन, थोड़ी सी माइंड गेम तो किया जाएगा, किया जा रहा है और आगे भी जाएगा। द मून, द मैजिशियन, एट ऑफ कप्स। देखो, अगर मैं आपसे ये कहूँगी कि मुझे किसी और से भी बात करना है, इसका परमिशन आप नहीं दोगे हमें, कोई नहीं देता है, तब क्या करना पड़ता है? तब थोड़ी सी झूठ, थोड़ी सी बातों को छुपाना, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है और सब सच हमेशा बोला भी नहीं जाता है। इस वजह से रिश्ते में थोड़ी सी मैनिपुलेशन होगी, माइंड गेम होगी, कुछ बातें छुपाया जाएगा और कुछ तरीके अपनाए जाएंगे जिससे रिश्ता बैलेंस रहे, दोनों रिश्ता। ये एक्शन उस तरीके से लेंगे जिस तरीके से लिया जा सकता है। अब आप कहोगे तो क्या ये आ रहे हैं? डेफिनेटली ये कोशिश कर रहा है बात करने की, चीज़ें सही करने की, लेकिन कुछ हद तक ये नहीं कर पाएंगे, ये शादी वाले रिश्ते में रह जाएंगे और आपके तरफ आने की कोशिश करेंगे। नहीं होने के वजह से ये इमोशनल बैगेज के साथ थोड़ी देर के लिए खुद को रोक के रखेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, इनका नींद खराब होगा, परेशानी में रहेंगे, दर्द में रहेंगे, लेकिन अभी इस वक्त वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको अपने परिवार के साथ वक्त देना है। अभी हम देख लेते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं लिब्रा। पहले आया है अबंडन, उसके बाद आया है रिमेन पॉजिटिव एंड देन वेट। आपको अबंडन मिलने जा रहा है, समृद्धि मिलने जा रहा है, वो रिश्ते में हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, पैसों में अबंडन मिलने जा रहा है। दूसरी चीज जो है, आपको पॉजिटिव रहना है, थोड़ा सा इंतजार करना है। देखो, कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं हो जाता है। अगर आप ये सोच रहे हो लिब्रा कि आप जिनके साथ रिश्ते में हो ये किसी और के साथ भी रिश्ते में और कल ही आपके कहने पे ये उसे छोड़ के आपके तरफ चले आएंगे, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये नहीं हो सकता। और अगर आप इनके साथ दिल के रिश्ते में हो और आप सोच रहे हो कि ये शादी को तोड़ के आपके तरफ चले आएंगे, ये भी नहीं हो सकता। इसके लिए अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अबंडन चाहिए, प्यार चाहिए, तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, जितना आपके हक में है जरूर मिलेगा और साथ ही साथ आपको थोड़ी सी इंतजार भी करनी पड़ेगी चीज़ें सही होने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।